खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये तस्वीरें दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की हैं, जहां बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जीवीएल नरसिम्हा कांग्रेस पर हमले कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि कुछ सेकंड के भीतर उन पर हमला होने वाला है। जीवीएल बोल रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने से एक छाया सी दिखती है। दरअसल उनके ऊपर जूता फेंका गया था जो उन्हें बिना लगे गिर जाता है। अगले ही पल दूसरा वार होता है, सिर्फ एक सेकंड बाद ही दूसरा जूता फेंका जाता है। इतना कुछ हो जाता है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा रुकते नहीं, अपनी बात खत्म नहीं करते और जो कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ उसे वो कांग्रेस वाली मानसिकता के साथ जोड़ देते हैं। कंडेमनेबल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, दिस इज येट अनदर अटेम्प्ट बाय अनदर कांग्रेस इंस्पायर्ड पर्सन। जब जीवीएल नरसिम्हा पर जूता फेंका गया, एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता वहाँ मौजूद थे। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, इस जगह पर बैठा हुआ था, दोपहर करीब सवा एक बजे का वक्त था और वो जो शख्स है वो ये राइट साइड में चेयर्स है वो यहाँ पर मौजूद था, यहाँ पर जो है वो बैठा हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही था। तब तक पहला जूता उछालता है और इसके बाद में जो बीजेपी के यहाँ सिक्योरिटी के लोग हैं वो उसको पकड़ते हैं, लेकिन तब तक वो दूसरा जूता हाथ में ले लेते। लेकिन सवाल ये है कि जूता फेंकने वाला शख्स कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंकने वाला ये शख्स शक्ति भार्गव है, जो कानपुर के भार्गव अस्पताल का मालिक है। शक्ति भार्गव ने नीलामी में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के 3 बंगले खरीदे थे, जिनकी कीमत करीब 11.5 करोड़ रुपए थी। ये बंगले शक्ति भार्गव ने अपने माँ और भाई के नाम पर खरीदे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि माँ और भाई के नाम पर खरीदे गए बंगलों को अपने नाम करने के लिए उसने नई कंपनी बनाई और माँ भाई को हटाकर बंगले का मालिक बन गया। लेकिन शक्ति भार्गव के बुरे दिन तब शुरू हुए जब पिछले साल दिसंबर में आयकर विभाग का छापा पड़ा। आयकर विभाग का दावा है कि शक्ति भार्गव के पास बेनामी संपत्ति है। यहाँ तक कि पूछताछ के दौरान शक्ति भार्गव 10 करोड़ से ज्यादा की रकम का स्रोत भी नहीं बता पाया था। हमने कानपुर में शक्ति भार्गव की मां से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका अपने बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। शक्ति भार्गव के माता पिता ने तो उसके खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा रखा है। मुझे कोई मतलब नहीं है, बस बेटा नहीं है। मैं कह तो रही हूँ, मैंने साल भर से उसकी शक्ल नहीं देखी है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। फेसबुक पोस्ट के जरिए शक्ति भार्गव खुद को विसिल ब्लोअर बताते हैं, यानी दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले, लेकिन उनके अपने माँ बाप भी उनसे परेशान हैं। शक्ति भार्गव से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है और अब स्पेशल सेल और आईबी भी उनसे पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि शक्ति भार्गव प्रॉपर्टी में हुए नुकसान से परेशान था और पहले भी बीजेपी दफ्तर आ चुका है। हो सकता है कि काले धन पर सरकार के वार से परेशान होकर उसने जूता कांड किया हो। फिलहाल जांच जारी है।